हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेकिशास किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं सोया मसाला चाप विद ग्रेवी। ये बहुत ही डिलीशियस और यमी रेसिपी है, आप भी इसे एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करें। चलिए बनाते हैं अपनी रेसिपी। इसके लिए मैंने यहाँ पर ली है सोया चाप स्टिक। इसे हम डंडियों में से निकाल लेंगे, इस तरह से बहुत ही ईजीली निकल जाती हैं। सोया चाप स्टिक भी मैंने घर पर ही बनाई है, अगर आप चाहेंगे तो मैं इसकी भी रेसिपी डाल दूंगी। इसे मैंने फ्रीज़र में से 1 घंटे पहले निकाल लिया था। चाप को हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं, इसके बहुत छोटे पीस भी नहीं करने, 1 चाप के 3 या 4 ही पीस करने हैं हमें। ये देखिए कितनी बढ़िया बन गई है। ये सभी सोया चाप स्टिक को हम इसी तरह से काट लेंगे और उसके बाद हम इसे करेंगे फ्राई। गैस पर मैंने ऑयल गर्म करने रख दिया है, इसे अब हम करते हैं फ्राई। इसे हम मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे और बहुत कम तेल में फ्राई करेंगे, इसके लिए हमें ज़्यादा तेल नहीं डालना। कढ़ाई में जितने भी इजीली पीस आ जाते हैं उतने पीस डाल लेते हैं हम इसमें। फ्राई करते वक्त हम जितनी फ्लेम को लो या मीडियम रखेंगे उतनी ही बढ़िया हमारी फ्राई होगी ये, और उतनी ही अच्छी फूलेगी। इसे हम बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि ये चारों तरफ से अच्छे से सिके। ये लीजिए, हमारी ये सिक के तैयार हो गई और हमने इनको निकाल ली। अब हम अपना सेकंड बैच डाल देते हैं इसमें। इसे भी हम मीडियम फ्लेम पर सेक लेते हैं। सोया चाप हमारी सारी फ्राई होकर रेडी है। इसमें मैं डाल रही हूँ यहाँ पर 1 चम्मच बटर। बटर हम गरम गरम में ही डाल देंगे ताकि ये अच्छे से मेल्ट हो जाए। और यहाँ मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच दही, और मैं यहाँ डाल रही हूँ 1 चम्मच जलजीरा पाउडर। जलजीरा पाउडर की जगह आप यहाँ पे चाट मसाले का भी यूज़ कर सकते हैं, पर जलजीरे पाउडर का टेस्ट बहुत ही बेस्ट आता है। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिलाकर थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। जिस तेल में हमने सोया चाप फ्राई करी थी उसी में हम अपनी प्याज को फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक बारीक लंबा लंबा काट लिया था। इसे हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। ये देखिए हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई है, इसे हम निकाल लेते हैं। जो आपको थोड़ी थोड़ी कच्ची दिख रही है ये भी सही हो जाएगी। इससे ज़्यादा प्याज को फ्राई करने से इसमें कड़वाहट आ जाती है और जो प्याज की मिठास होती है वो ख़त्म हो जाती है। प्याज को ठंडा करके हम इसे मिक्सी ग्राइंडर में पीस लेंगे। पीसते वक्त थोड़ा सा पानी मिलाएंगे जितना ज़रूरत हो, और एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ मैंने 2 टमाटरों को काट लिया है, इसे हम पीसेंगे। इसी के साथ हम यहाँ डाल लेंगे अपने लहसुन, अदरक और 2 हरी मिर्च। ये मिर्च ज़्यादा तीखी नहीं है, अगर आप तीखी मिर्च काम में ले रहे हैं तो मिर्च कम डालें। इन सब की हम एक प्यूरी बना लेते हैं। यहाँ मैंने कढ़ाई में से तेल कम कर दिया है, इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच ज़ीरा, तेज़पत्ता, 2 लौंग, 2 इलायची, 1 दालचीनी और 8-10 काली मिर्च। इन सभी को हम हल्का सा फ्राई कर लेते हैं और जो हमने प्यूरी बना के रखी है उसे ट्रांसफ़र करते हैं इसमें। टमाटर प्यूरी को भी हम अच्छे से भून लेंगे। इसे हमें अच्छी तरह भूनना बहुत ज़रूरी है ताकि टमाटर, लहसुन और अदरक का कच्चापना चला जाए। टमाटर हमारे अच्छे से भून चुके हैं, इसमें डालते हैं 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, नमक स्वाद अनुसार, 2 चम्मच धनिया पाउडर, और इनको मिलाकर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और भून लेते हैं। भुनाई में किसी भी तरह की कमी ना रखें, उसी से ग्रेवी का टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। मसाला जब हमारा अच्छे से भुन जाएगा तो हमने जो प्याज पीस के रखी थी उसका पेस्ट इसमें डाल देंगे और मिला देंगे अच्छे से। इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए मसाले से हमारा तेल अलग होने लगा है, ये काफ़ी हद तक भून चुका है। इसमें अब हम डालते हैं गरम मसाला 1/2 चम्मच, और
और साथ में जो हमने सोया चाप को मैरिनेट करके रखा था इसे भी इस मसाले में मिला लेते हैं, क्योंकि हमने इसमें दही डाला था तो इसे भी हमें अच्छे से भूनना है। इसमें थोड़ा सा पानी मिला लेते हैं ताकि हमारे मसाले अच्छे से मिल पाए। ये मैं उस बाउल में से पानी डालती हूँ जिसमें हमने मैरिनेट करके रखा था। दही डालने के बाद में भी हमने इसे अच्छे से भून लिया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ एक बाउल पानी, और पानी मिलाने के बाद हम इसे अच्छे से कवर करके 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाएंगे। उससे हमारे सोया चाप में अंदर तक मसाला पहुंच जाएगा। 15 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए हमारी सब्जी में कितना बढ़िया कलर आया है, चारों तरफ ऑयल ऊपर आ गया है। इसे हम हल्के से मिला लेते हैं। मैंने एक चम्मच कसूरी मेथी को ड्राई रोस्ट करके रख रखा है, वो भी इसमें मिला देते हैं हम। कसूरी मेथी से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। सब्जी को 2 मिनट के लिए कवर कर देते हैं ताकि जो हमने मेथी डाली है उसकी अच्छी सी स्मेल आ पाए इसमें। ये देखिए कितनी बढ़िया सब्जी बनकर हमारी रेडी हुई है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, मेरी गारंटी है अगर आप एक बार खाएंगे तो बार बार इसे बनाकर खाएंगे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको मेरे अपडेट मिलते रहें।